हाय फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ कोलकाता के इको पार्क में, जो कोलकाता के न्यू टाउन के राजार हाट में अवस्थित है। और आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, क्योंकि आपके ही प्यार से मुझे और अच्छा वीडियो बनाने का और उत्साह मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अभी ये मुझको कुछ भूलभुलैया जैसा दिख रहा है, तो मैं इसके अंदर प्रवेश करने जा रहा हूँ। देखता हूँ अंदर से क्या है आखिरकार। बहुत ही अच्छा जगह है और ठीक है सब। और आगे भी मुझे घूमना है और क्या क्या है आगे जाके मुझे पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, तो मैं आगे अब बढ़ चुका हूँ वीडियो। इधर पे कुछ स्टैचू जैसा मूर्ति सब लगा हुआ है और आर्ट कला की मूर्तियां है सब, जो काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है। और अभी मैं बढ़ रहा हूँ चीन की वॉल की तरफ, जो चीन का जो 7 अजूबे में से एक अजूबा है, जो चीन का वॉल है, उस तरफ बढ़ रहा हूँ। और एक जलपरी का स्टैचू है। ये है दोस्तों पिरामिड, आप देख सकते हैं, ये पिरामिड है। और इसके अंदर भी मैं जाके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या है अंदर। खाने पीने का आइटम है कि नहीं? अभी मैं जा रहा हूँ अंदर के साइड पे। स्टार्ट है। मम्मी, आप मम्मी देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं पिरामिड। कि कितना सुंदर इधर का वातावरण है। और ये झरना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं कि आगे और क्या है, ये कौन सा और अजूबा है। कभी भी मेरे बाहर के जो दर्शक है, कभी भी कोलकाता पे आने पे एक बार विजिट कीजिएगा प्लीज़ इको पार्क पे, तो आपको
और इसके अंदर जाके देखता हूँ। बोलो जितना भी हो सकेगा दोस्तों कि मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो आपको आप तक पहुँचाऊँ। ये सब देखिए दोस्तों, ये सब प्राचीन काल के हजारों हजारों साल आगे क्या ये सब। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे ही भारत के मशहूर 7 अजूबों में से एक ताजमहल के तरफ। हूँ दोस्तों ताजमहल, कोई भी फर्क नहीं है दोस्तों ये ताजमहल में। आपको मैं फोन से दिखा रहा हूँ। बढ़ रहे हैं ग्रेट ऑफ वॉल चाइना के तरफ। सोजा, 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 सोजा। तो चलिए देखते हैं कि ग्रेट ऑफ वॉल चाइना कैसा है। ये दोस्तों हम लोग ग्रेट ऑफ वॉल चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप पूरे कोलकाता में हैं। आपको ऐसा ही महसूस होगा कि आप ग्रेट ऑफ वॉल चाइना के चीन में है। देखिए दोस्तों कितना ऊंचा है। ड्राइवर सोचते हैं हम सिर्फ ड्राइवर गाड़ी में बैठ कर बस में बैठ पक्का
यह दोस्तों जापानीज फॉरेस्ट जो इको पार्क में है। बहुत शांत जगह है और वातावरण भी बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, कभी भी कोलकाता में आने पे एक बार विजिट कीजिएगा। बहुत शांत प्राकृतिक है। बहुत शांति जगह है। देखिए दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको, प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। और मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
दोस्तों हम लोग अब बढ़ रहे दुनिया का मशहूर आईपीएल टावर की तरफ। इधर में आपको बोर्डिंग करने का भी मिल सकता है, साइकिलिंग करने का भी मिल सकता है। और या अब हम आगे बढ़ रहे हैं आईपीएल टावर की तरफ और देखता हूँ कि उस पे चढ़ा जा सकता है कि नहीं। और चढ़ने से तो बहुत ही अच्छा लगेगा।